स्टूडेंट्स ना वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोबिलिटी सैम्पलिंग इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च वी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्नीक एज कंपेयर टू द नॉन रैंडम सेम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो प्रोबिलिटी सैम्पलिंग है क्या है जिसको हम रैंडम सेम्पलिंग भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच द रिस्पॉन्डेंट हैव इक्वल चांसेज ऑफ सिलेक्शन इन अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन यानी जो आपने सैम्पल में पॉपुलेशन एलिमेंट या सैम्पल एलिमेंट ड्रा करने हैं उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इक्वल है फ्रॉम गेटिंग इन टू द सैम्पल फ्रॉम द पॉपूलेशन रेंडम सिलेक्शन फॉर सैम्पलिंग रिक्वायर्स मोर प्रसीशन टाइम एंड एफर्ट दैन सैम्पल विद नॉन रैंडम सिलेक्शन तो जो रेंडमाइजेशन प्रोसेस है अपराबलिटी सैम्पलिंग में इसके लिए आपको जो है प्रसिशन रिक्वायर होती है इसमें ज़्यादा वक्त लगता है इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग में और जो है इसमें ज़्यादा एफर्ट लगती है एज़ कंपेयर टू द नॉन रैंडम सैम्पलिंग तो रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं रैंडम सेम्पल्स आर मोर लाइकली टू ट्रूली रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन जो रैंडम सैम्पल होते हैं वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं होल पॉपुलेशन को वो सही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलेशन के

कि इससे जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और उस पर जब एनालिसिस करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है और वो जनरलाइजेबल हैं टू द पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द दो स्टडीज इन विच वी कंडक्ट दिस ऑन द नॉन रैंडम सैंपल्स अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो रैंडम सेम्पलिंग की या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की चार बेसिक टाइप्स हैं पहली जो सिंपल टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फिर ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग ये दोनों सेम्पलिंग थोड़ी सी अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक दूसरे से मुख्तफ हैं और जो फोर्थ टाइप है वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है मल्टी स्टेज शैम्पलिंग में एक्चुअली टू ऑफ द दैम्पलिंग टाइप्स जो है हम इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं दो या तीन भी हो सकती हैं तो हम आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनमें ये चारों सैम्पलिंग टाइप्स को डिटेल में देखेंगे